Hello students, how are you all? I hope you all are doing good at your home. Students, today we are going to start chapter number 1 of civics, that is democracy and equality. What do you mean by democracy now? Democracy means rule of the people. आपने एक फ्रेज सुना ही है, we live in democratic India. In which government is elected by the people, for the people, of the people. ये सुना है ना, government by the people, of the people. तो ये सब क्या है? Democratic. Democracy means rule of the people. People choose करते हैं कि कौन rule करेगा. All right? And equality means to treat everyone equal. Okay? So first of all, we will discuss about meaning of democracy. मैंने जैसे आपको बताया डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, तो अंडरलाइन करो इस लाइन पे एवरीवन. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल. मीन्स पीपल डिसाइड दैट हु विल रूल ऑन देम. ऑल राइट. अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, पीपल के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ठीक है, सब कुछ पीपल के लिए ही हो रहा है. ठीक है, इसलिए पीपल ही चूज करती है कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो गवर्नमेंट, जिनके थ्रू गवर्नमेंट बनेगी. ऑल राइट, कौन उन पर रूल करेगा ये सब पीपल ही चूज करते हैं. ठीक है, then democracy is the most popular form of government all around the world. आज democracy सबसे ज़्यादा popular है. ठीक है, अभी पहले के time पर क्या होता था, एक राजा होता था और वो अपना शासन चलाता था. ठीक है, जो राजा ने बोला वो सबको मानना पड़ता था. ठीक है ना, पर अभी ये time ऐसा है कि अब राजा महाराजा नहीं होते, अब क्या होता है people ही choose करते हैं अपने representative. All right, then In Athens, the ancient city of Greece, all the male citizens form a body called assembly that took the important decision of the state. अब now ये Athens की बात बता रहे हैं बेटा. Greece में क्या होता है, सारे male citizens एक assembly बना लेते हैं, मतलब एक group बना लेते हैं, और वो लोग ही decide करते हैं कि state में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. सारे important decisions कौन लेता है, ये assembly लेती है, जो ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स होते हैं. ठीक है, पर ये परहैप्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. यहाँ पे पहले का फॉर्म है ये, जहाँ पे पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कि हम असेंबली में रहेंगे, हम असेंबली में रहेंगे. ठीक है, पर स्लेव्स और वुमेन को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है. ठीक है, देन डेमोक्रेसी डेवलप फर्दर इन रोमन एम्पायर. नाउ रोमन एम्पायर के टाइम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. इसमें क्या होता है, असेंबली में, असेंबली को बोला जाता है सेनेट. वॉज फॉर्म्ड एंड पीपल इलेक्टेड काउंसल्स टू रन द गवर्नमेंट फॉर वन ईयर टर्म. अब इसमें क्या होता है, जैसे असेंबली में ऊपर मैंने बताया ग्रीस में क्या होता था, सारे मेल मेंबर्स असेंबली बना लेते हैं. नाउ इसमें असेंबली को नाम दिया गया सेनेट. अब इसमें ओनली वन ईयर के लिए वो बनी गई है सेनेट, और जो भी रूल करेगा, गवर्नमेंट बनेगा, वो वन ईयर के लिए होगा. ठीक है, जो भी पर्सन इलेक्ट होगा. ऑल राइट, देन इन द एज ऑफ फेडरलिज्म दैट केम आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर जब ख़त्म हुआ उसके बाद फेडरलिज्म आया. ठीक है, तो डेमोक्रेसी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी. यहाँ पे ये एज ऑफ वॉयलेंस, वॉर्स, मतलब ये ऐसा एज था जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर होते थे, लड़ाई झगड़ा. ठीक है ना, तो इस टाइम पे डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई. देन एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आया हिस्ट्री में, उसमें क्या था, वो साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा. नाउ मैग्ना कार्टा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड. नाउ मैग्ना कार्टा क्या था बेटा, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें किंग को साइन करना पड़ता था, दैट द किंग वॉज मेड टू साइन बाय अ ग्रुप ऑफ नोबल्स. मतलब नोबल्स चूज होते थे और नोबल्स डिसाइड करेंगे कि हमारा राजा कौन है, वो साइन करके देंगे एक पेपर पे. ठीक है, कि ये हमारा राजा है. ठीक है, और किंग का जो प्रिविलेज था वो भी रेस्ट्रिक्टेड था, वो ओनली पीपल को पनिश करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ लैंड.
लॉ के बेसिस पर, ठीक है। इवन द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट अबव द लॉ, द नोबल्स कुड पनिश हिम इफ ही ब्रोक द लॉ। अब इसमें क्या होता था, अगर किंग ने भी लॉ ब्रेक किया तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। ये सब हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि पुराने टाइम में, पास्ट टाइम में किस तरह से हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की क्या हिस्ट्री थी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, ठीक है ना। नाउ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश मोनार्की। नाउ ब्रिटिश में पहले क्या होता था, ब्रिटेन में वहाँ पे मोनार्की चलती थी, मतलब एक राजा रूल करता था, वो अपना शासन चलाता था, उसने जो डिसाइड कर लिया वो ही होता था, ठीक है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और उसमें 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, ऑलराइट, और न्यू सोवरेन स्टेट बनाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम लोग अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये कब हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मोनार्की। अब मोनार्की का क्या मतलब होता है, एक राजा जो रूल करता है उसको मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक राजा रूल करना ये गलत है, ठीक है, सबको राइट होना चाहिए कि अपने व्यू रख सके, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोनार्की में डाउनफॉल कब आया, जब डेमोक्रेसी फ्रेंच रिजोल्यूशन हुआ। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। फर्स्ट में क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रीस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स। फर्स्ट क्लास थी प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर्स की। सेकेंड क्लास नोबिलिटी रूल्ड ओवर द थर्ड एस्टेट विच ऑलमोस्ट एंटायरली कंप्राइज ऑफ पुअर पीजेंट्स। एंड थर्ड क्लास थी वॉज मेड टू पे ऑल द टैक्सेस विच द किंग एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट लेड अ लेविश लाइफ। नाउ क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया फ्रेंच। फर्स्ट पार्ट था प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर्स का, प्रीस्ट जो पुजारी लोग हैं और रिलीजियस लीडर्स, तो इनको तो कुछ भी चीज़, कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये सबसे बड़े माने जाते थे। देन सेकेंड आ गए पुअर पीजेंट्स, उन पे थोड़ा बहुत टैक्स इम्पोज करा जाता था। देन थर्ड आ गए ऐसे लोग जिन पे टैक्स भी देना है, जिनको जो किंग ने डिसाइड किया है, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लोग बाग लाविश लाइफ जी सके, इसलिए उनको उनका काम भी करना होता है। तो फाइनली जो थर्ड स्टेट होती है उसने रिवॉल्ट करा, उसने लड़ाई लड़ी मोनार्की के अगेंस्ट, ठीक है। देन अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, ठीक है ना, विच वॉज अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। मतलब सिटीजन के लिए राइट, ऑल मैन आर इक्वल। इन्होंने फाइनली जो थर्ड स्टेट है इन्होंने रिवॉल्ट चालू किया कि सारे पीपल इक्वल है, तो हम ही क्यों ये सब करें, हम ही टैक्स क्यों फिर भरें, ठीक है, हम ही क्यों उन्हें सर्व करें, तो सारे पीपल इक्वल हैं, इसलिए उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी, ऑल राइट। देन और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की तो मैंने आपको बताई, रूल ऑफ द किंग, जो स्टार्टिंग में यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी जिसमें किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, ठीक है ना, और वही सारे डिसीजन लेता था। और हिस्ट्री पूरे इसी से रिलेटेड है कि बेनेवोलेंट किंग्स एज वेल एज दोज हु वर क्रूअल एंड अनजस्ट, कि अच्छे किंग्स भी रहे हैं, क्रूअल किंग्स भी रहे हैं, ठीक है। एक और फॉर्म होती है मोनार्की के साथ साथ, डिक्टेटरशिप। नाउ डिक्टेटरशिप क्या होता है, वन पर्सन जिसको डिक्टेटर बोलते हैं वो अज्यूम करता है कि सारी पावर, सारा रूल उसी के पास है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ चलाता है, ठीक है। डिक्टेटर्स ऑफन टेंड टू बिकम ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट। अब इसमें क्या होता है, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है वो सही है, जो उसको गलत लगता है वो गलत है, वो डिक्टेट करता है लोगों को, ठीक है, अपने हिसाब से लोगों को चलाता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ऑल राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी भी दो टाइप्स की होती है बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट
इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. ऐसी डेमोक्रेसी मैंने बताया, डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल. सो पीपल डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओनली स्मॉल कंट्रीज में अभी है, जैसे स्विट्जरलैंड. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत केओस एंड कन्फ्यूजन पैदा करती है. डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, देन एक और होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जो अभी हमारे इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. सारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं. ठीक है, इसलिए इक्वालिटी होती है सब में. इक्वालिटी होगी तो डेमोक्रेसी अच्छी से चलेगी. ऑल राइट, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं. देखो, डॉटर ऑफ एन ऑटो रिक्शा इन मुंबई टॉप्स द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम. नाउ सीए के एग्जाम थे, पर जो ऑटो रिक्शा ऑटो चलाने वाला, उसकी जो डॉटर है उसने टॉप किया. तो ये क्या है, इक्वालिटी का पार्ट है और डेमोक्रेसी का पार्ट है. ठीक है, इक्वल है, सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डॉटर हो, चाहे वो किसी मिलियनेयर की डॉटर हो, सब लोग इक्वल हैं, सबको एग्ज़ाम देने का राइट है. ठीक है, सबको टॉप आने का राइट है. तो टॉप कौन आया, डॉटर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर. देन डॉटर ऑफ वेरी पुअर फार्मर बिकम्स फर्स्ट डॉक्टर ऑफ अर विलेज. पूरे विलेज में पहली डॉक्टर बनने वाली कौन थी, जो एक पुअर फार्मर की डॉटर थी. ठीक है, तो ये इक्वालिटी का. गर्ल्स स्कोर मोर देन बॉयज़ इन सीबीएसई ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ये सबको पता है, गर्ल्स का स्कोर ज़्यादा आता है. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे जो बॉयज़ हैं, नो मैम हमारे भी स्कोर ज़्यादा आते हैं. हाँ आते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर गर्ल्स को पहले के टाइम पे डाउन फील करवाते थे, उन्हें पढ़ाई नहीं करने देते थे, क्योंकि ये पढ़ के क्या करेंगे, इनको आगे जाके शादी करनी है. ठीक है, पर गर्ल्स ने इसको रॉन्ग प्रूफ किया और धीरे धीरे वो भी टॉप करने लगी. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब पुअर न्यूज़पेपर वेंडर गेट्स एडमिशन इनटू, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा पुअर होंगे तो, पर अगर इक्वालिटी है तो पुअर न्यूज़पेपर वेंडर वाले को भी, पुअर जो न्यूज़पेपर बेचने वाला इंसान है उसको भी कोलकाता के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया. ठीक है, तो ये सब आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं. ठीक है, देन कम्स ये सब चीज़ें क्या शो कर रही है, ये सब चीज़ें ये शो कर रही है कि एवरी पर्सन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लेड हिज और हर ओन लाइफ. ठीक है, हर पर्सन के पास, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, कोई से भी कास्ट का हो, कोई भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, सबको इक्वल राइट्स है हर जगह इक्वली अपना रोल प्ले करने का. उसी तरह इलेक्शन में भी यही होता है, चाहे वो कोई सा भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो वो इलेक्शन में पार्ट ले सकता है. ऑलराइट, देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी आल्सो. नाउ इक्वालिटी के भी अलग अलग, इक्वालिटी क्या होता है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल. नाउ डेमोक्रेसी में ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट. ये हम सबको पता है, जो भी 18 ईयर्स से अबव का बंदा है या बंदी है, जो भी बॉय है गर्ल है, उसको वोट देने का राइट है. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अंडरलाइन करो इस वर्ड को, पेज नंबर 255 पे दे रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लास्ट में. ठीक है, ये बोल इसको बोला जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी. जब पॉलिटिकली एवरी पर्सन इक्वल है वोट देने के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो. ऑल राइट, नाउ रिलीजियस इक्वालिटी क्या होती है, कि पीपल चाहे किसी भी रिलीजन का हो उसको इक्वल ट्रीट करा जाए. गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि ये लो रिलीजन का है, ये हाई रिलीजन का है, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसको कम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, रिलीजियसली एवरीबडी इज इक्वल. ऑल राइट, देन इकोनॉमिक इक्वालिटी, नाम से पता पड़ रहा है इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मनी. मीन्स अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है या किसी के पास कम है, एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट, सबको वोट देने का राइट है. ठीक है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगर आप सेम काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगर कोई पुअर पर्सन है और कोई बहुत अमीर पर्सन है,
मिलियनेयर, अगर वो 5 आवर्स काम कर रहे हैं और सेम वर्क कर रहे हैं तो दोनों की सेम सैलरी होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि वो पुअर है तो उसकी तो सैलरी कम रख दो, वो तो 2000 में भी काम कर लेगा, और वो अमीर है अगर तो उसकी सैलरी 5000 रखो क्योंकि वो 2000 में काम नहीं करेगा। ये नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस को हटाते हुए सबको इक्वल ट्रीट करना। एवरीबॉडी शुड गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेम वर्क, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो सेम पे मिलेगा। ऑल राइट, एंड देन सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या होता है? सोशल इक्वालिटी मीन्स ऑल द सिटीजन लिविंग इन द सोसाइटी हैव इक्वल राइट्स टू विजिट ऑल द पब्लिक प्लेसेस। सारी सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं सबको प्लेग्राउंड में जाने का, होटल्स में जाने का, शॉप्स पे जाने का, मार्केट जाने का, रोड्स पे चलने का, टॉयलेट्स यूज़ करने का पूरा पूरा हक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा उनको कि आप दूसरे कास्ट के हो या आप इधर नहीं आओगे उधर नहीं आओगे। अगर किसी ने ऐसा किया, अनटचेबिलिटी करी, तो वो पनिशेबल बाय लॉ है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक ही हम ये पार्ट फिनिश करेंगे। इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाती हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको रीड करिए अच्छे से, ठीक है, और PDF जो मैं सेंड करूँगी उसको नोटबुक में नोट डाउन करिए। ओके, गुड लक, गुड बाय।